कहानी की शुरुआत में हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर अपनी कार के अंदर बैठे हुए खाना खा रहे थे। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर का नाम फ्रैंक होता है। खाना खाकर फ्रैंक अपनी कार से बाहर स्मोक करने के लिए निकलता है, तभी उसकी नज़र वहाँ की नदी पर पड़ती है जहाँ एक आदमी एक लड़की के हाथ बांधकर उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है। उस आदमी के हाथ में बहुत बड़ा चाकू होता है जिससे वो उस लड़की का गला काटने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रैंक उसे ऐसा करने के लिए रोकता है कि ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जिस पर वो आदमी फ्रैंक से कहता है कि तुम नहीं जानते कि ये लड़की क्या चीज है। वो आदमी फ्रैंक के कहने पर भी नहीं रुकता, वो उस लड़की का गला काटने वाला होता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी फ्रैंक को उस पर गोली चलानी पड़ती है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। फ्रैंक उस आदमी को चेक करने जाता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन तभी वो आदमी फ्रैंक को पकड़ लेता है और डरते हुए फ्रैंक से जेनिफर बोलता है और जेनिफर बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर फ्रैंक का साथी पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है। वो फ्रैंक को बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इस आदमी को गोली क्यों मारी। जिस पर फ्रैंक अपने साथी पुलिस ऑफिसर को बताता है कि ये आदमी इस मासूम लड़की को जान से मारने वाला था, इसीलिए इस लड़की की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे इसको गोली मारनी पड़ी। फ्रैंक अपने साथी से यहाँ पर एक बैकअप टीम और एक एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है। वो लड़की फ्रैंक को काफी डरी हुई लगती है, लेकिन जैसे ही फ्रैंक उसकी आंखें देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से काली होती हैं। फ्रैंक उस लड़की के हाथ की रस्सी खोल देता है। रस्सी खोलते हुए उस लड़की के नाखून से फ्रैंक के हाथ पर एक कट लग जाता है। हाथ खुलते ही वो लड़की फ्रैंक के गले लग जाती है। फ्रैंक को लगता है कि ये डरी हुई है, इसीलिए फ्रैंक उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जिसके बाद फ्रैंक सीधा पुलिस स्टेशन जाता है जहां पुलिस चीफ ये बोलते हैं कि ये काम बिना उस आदमी को मारे भी हो सकता था, तुम उस लड़की को बिना उसे मारे बचा सकते थे। जिस पर फ्रैंक बोलता है कि शायद वो एक चोर था जो उस लड़की को मारने ही वाला था। जिस पर चीफ उसको बताते हैं कि जिस आदमी को तुमने मारा है वो एक होमलेस आदमी था। तभी उस लड़की को वहाँ पर लेकर आया जाता है। उस लड़की का चेहरा और उसकी आंखें काफी डरावनी होती है। वो लड़की फ्रैंक को ऐसे घूर रही थी जैसे कि फ्रैंक उसको पसंद आ गया हो। वो जाते हुए फ्रैंक को इशारा भी करती है, फ्रैंक भी उसको घूर रहा होता है। अब शाम को फ्रैंक अपने घर में जाता है जहाँ उसके घर के बाहर उसको एक छोटी बच्ची एमी मिलती है जो उसके पड़ोस में ही रहती है। घर के अंदर फ्रैंक की वाइफ उससे पूछती है कि आज तुम इतने उदास क्यों हो, जिस पर फ्रैंक उसको बताता है कि आज उसने एक लड़की की जान बचाने के लिए एक आदमी को जान से मार दिया। जिस पर उसकी वाइफ उसे ये बात भूलकर खाना खाने को बोलती है। खाना खाते हुए फ्रैंक का बेटा घर आता है जिसे देखकर फ्रैंक उसको डांटता है कि तुम इतने रात में घर से बाहर मत रहा करो। खाने के बाद अब फ्रैंक की वाइफ उसका मूड ठीक करने के लिए उसे प्यार करने के लिए अपने पास बुलाती है ताकि फ्रैंक उस आदमी और उस लड़की के बारे में भूल जाए, लेकिन प्यार करते हुए भी फ्रैंक के माइंड में उस लड़की के ही ख्याल घूम रहे थे। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था जिसकी वजह से वो गलती से अपनी वाइफ को हर्ट कर देता है, जिससे उसकी वाइफ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन फ्रैंक पुलिस स्टेशन में जाकर अपने एक साथी ऑफिसर से उस लड़की के बारे में कुछ बातें जानने जाता है। वो ऑफिसर फ्रैंक से पूछती है कि तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो, जिस पर फ्रैंक उसको बोलता है कि मैंने एक आदमी को मारकर उसे बचाया है। वो लेडी ऑफिसर फ्रैंक से कहती है कि उसका नाम जेनिफर है और शायद वो लड़की बोल नहीं सकती, जिसके बाद फ्रैंक ऑफिसर से उस आदमी के बारे में भी पूछता है जो उस लड़की को मारने ही वाला था। ऑफिसर बताती है कि वो एक होमलेस आदमी था, पर पहले वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर पता नहीं कैसे वो रोड पर आ गया। फ्रैंक पूछता है कि अब वो लड़की कहाँ है, जिस पर वो ऑफिसर बोलती है कि वो अब मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुनकर फ्रैंक उस मेंटल हॉस्पिटल में जेनिफर से मिलने पहुंच जाता है। जैसे ही जेनिफर फ्रैंक को देखती है तो वो रोते हुए उसके गले लग जाती है, जिससे फ्रैंक को उस पर दया आ जाती है और वो जेनिफर को यहाँ से ले जाने की सोचता है क्योंकि उसके हिसाब से ये जगह जेनिफर के लिए नहीं थी। फ्रैंक जेनिफर को अपने घर ले आता है। वो जेनिफर के बारे में अपनी वाइफ को बताने के लिए जाता है, पर उसकी वाइफ सो रही होती है, उसका बेटा भी सो रहा होता है, इसीलिए फ्रैंक उन दोनों को नहीं उठाता। वो सोचता है कि वो कल सुबह उन दोनों को जेनिफर के बारे में बता देगा। फ्रैंक जेनिफर को सोफे पर सोने को कहता है, तभी जेनिफर फ्रैंक के हाथ पर लगे जख्म को चाटने लगती है जो उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी फ्रैंक उसको सोने को बोलता है। रात को बिल्ली की आवाज सुनकर जेनिफर की नींद खुल जाती है और वो उस बिल्ली के पीछे पड़ जाती है। बिल्ली जैसे ही जेनिफर का डरावना चेहरा देखती है वो वहाँ से भाग जाती है। उधर रूम के अंदर फ्रैंक सोते हुए जेनिफर का सपना देख
देख रहा होता है, पर अचानक उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसको अपने रूम में बिना कपड़ों के जेनिफर खड़े हुए मिलती है, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए फ्रैंक भी डर जाता है। फ्रैंक उसको बाहर सोने को कहता है कि तभी फ्रैंक की वाइफ की नींद खुल जाती है। वो जैसे ही जेनिफर का चेहरा देखती है उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर फ्रैंक का बेटा भी जाग जाता है, वो भी जेनिफर को देखकर काफी डर जाता है। फ्रैंक की वाइफ फ्रैंक से बोलती है कि ये मॉन्स्टर कौन है और ये यहाँ पर कैसे आई, जिस पर फ्रैंक अपनी वाइफ को शांत करते हुए बोलता है कि ये वही लड़की है जिसे वो आदमी मारने वाला था, जिसे मैंने इसकी जान बचाने के लिए मार दिया। इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसको कोई भी नहीं अपना रहा है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ले आया। इस पर फ्रैंक की वाइफ बोलती है कि इसका कोई तो कारण होगा कि कोई भी इसको क्यों नहीं अपना रहा और तुम इस लड़की को अपने घर ले आए। फ्रैंक की वाइफ जेनिफर को अपने घर में रखने को साफ मना कर देती है। ये सुनते ही जेनिफर फ्रैंक की वाइफ को किस कर देती है, जिससे उसके होंठ चिपचिपे हो जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक जेनिफर को अपनी कार में बैठाता है और उसके लिए एक रहने लायक जगह ढूंढने निकल पड़ता है। वो एक जगह पर अपनी कार को रोक देता है और जेनिफर से सॉरी बोलता है कि तुम्हें अब मैं अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन जेनिफर तो फ्रैंक का हाथ पकड़कर उसको अपने सीने से लगा लेती है। जेनिफर फ्रैंक को करने लगती है। पहले फ्रैंक उसे ऐसा करने से मना करता है, पर उसको भी जेनिफर का ऐसा करना अच्छा लग रहा था, इसीलिए कार के अंदर वो दोनों प्यार करने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक जेनिफर को कहीं और नहीं छोड़ता। वो उसको वापस अपने ही घर ले आता है। उसे उसकी वाइफ घर के बाहर खड़ी हुई मिलती है, जो उससे पूछती है कि तुम इसको छोड़कर क्यों नहीं आए, ये इस घर में नहीं रह सकती। जिस पर फ्रैंक बोलता है कि मैं इसको ऐसे ही रोड पर नहीं छोड़ सकता। फ्रैंक की वाइफ बोलती है कि तुम इसको यहाँ पर नहीं रख सकते। ये सुनते ही जेनिफर फ्रैंक के घर के अंदर भाग जाती है। फ्रैंक को लगता है कि उसे उसकी वाइफ की बात बुरी लग गई होगी। तभी अचानक घर के ऊपर वाले कमरे से बड़ी तेज बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर फ्रैंक की वाइफ और फ्रैंक ऊपर जाकर देखते हैं, जहां उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि बड़ी बेरहमी से जेनिफर उनकी बिल्ली को मारकर उसका मांस खा रही है। ये चीज देखकर फ्रैंक की वाइफ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो अपने बेटे को लेकर फौरन इस घर से निकल जाती है। वो फ्रैंक को यहीं छोड़ देती है। इस चीज की वजह से फ्रैंक जेनिफर पर बहुत गुस्सा होता है, पर एंड में फ्रैंक उसकी तरफ पिघल जाता है। वो उस पे दया खाने लगता है और उसे इस गलती के लिए माफ कर देता है। अब रात को जेनिफर फ्रैंक के रूम में आती है और उसे अपनी बॉडी दिखाकर करने लगती है। फ्रैंक भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो दोनों प्यार करने लगते हैं। अगले दिन जेनिफर फ्रैंक के पड़ोसी की बच्ची एमी के पास जाती है। एमी उसको देखकर पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा चेहरा इतना अजीब क्यों है। एमी हंसने लगती है। जेनिफर एमी को अपने साथ फ्रैंक के घर ले आती है। उधर फ्रैंक एक बार में बैठा हुआ शराब पी रहा होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी इस समय थोड़ी खराब चल रही है। पहले उसने अपनी नौकरी छोड़ी और अब उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया। फ्रैंक बहुत ज्यादा परेशान और तकलीफ में होता है। वो शराब पीकर अपने घर जाता है। घर के अंदर उसे जेनिफर नहीं दिखाई देती। तभी अचानक से उसे घर के बेसमेंट से आवाज आती है। फ्रैंक जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाती है। वो देखता है कि जेनिफर एमी को मारकर उसका मांस खा रही है। ये देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। वो जेनिफर को गुस्से से ऊपर और घसीटता हुआ लाता है और उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, पर वो उसको नहीं मार पाता क्योंकि वो कोई खूनी नहीं है। अगले दिन फ्रैंक एक फ्रीक नाम के शो के मालिक से बात करता है। वो उसे बताता है कि उसके घर पर एक काफी डरावनी लड़की है, वो तुम्हारे इस शो में काफी काम आएगी, पर वो लड़की मेरे घर में है। तुम्हें मेरे पीछे से घर के अंदर से उसको लेकर जाना होगा। जिस पर शो का मालिक बोलता है कि इसमें कुछ दिक्कत भी आ सकती है। फ्रैंक उस आदमी को अपने घर की चाबी देकर ये बोलता है कि मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, तो चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। शाम को फ्रैंक घर के अंदर आता है। उसको जेनिफर कहीं दिखाई नहीं देती। फ्रैंक को लगता है कि शायद अब उसे जेनिफर से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि वो खुद कभी भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर सकता था। उसकी शक्ल देखकर फ्रैंक को उस पर दया आती थी। फ्रैंक थोड़ा सा खुश होकर फ्रिज का गेट खोलता है, जहां एक बार फिर से फ्रिज का गेट खोलते ही फ्रैंक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर उस शो वाले आदमी का मरा हुआ शरीर पड़ा है, जिसे जेनिफर ने आधा तो खा भी लिया है। ये देखकर फ्रैंक फैसला करता है कि अब वो जेनिफर के साथ यहाँ और नहीं रह सकता, इसलिए रात को वो उस शो वाले आदमी की लाश को दफना देता है और अगली सुबह वो जेनिफर को लेकर अपने एक पुराने गेस्ट हाउस में रहने चला जाता है, जो कि जंगल के बीचों बीच है। फ्रैंक के हिसाब से जेनिफर के लिए ये जगह बिल्कुल सही है, यहाँ वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फ्रैंक जेनिफर से कहता है कि आज से हम यहीं पर रहेंगे, ये काफी अच्छी
अच्छी जगह है। यहाँ पास में एक शहर भी है, जिसके बाद फ्रैंक खुद पास के शहर में अपने लिए काम की तलाश में जाता है, जहाँ वो एक लेडी से जाकर पूछता है कि क्या उनकी दुकान में उसे काम मिल सकता है। शुरुआत में वो लेडी उसको मना कर देती है, पर फ्रैंक उस लेडी से कहता है कि उसे इस काम की काफी जरूरत है, वो यहाँ कुछ भी काम कर लेगा। और इतना इंसिस्ट करने पर वो लेडी उसकी बात मान लेती है और उसको साफ सफाई का काम दे देती है। शाम को फ्रैंक खाने पीने का सामान लेकर अपने जंगल के घर में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जेनिफर पूरे टाइम घर के अंदर ही थी। वो जेनिफर को खाना खाने को कहता है। अब अगले दिन फ्रैंक की ओनर यानी कि उस लेडी का बेटा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की जिद करता है, जिसके लिए उसकी मॉम यानी कि वो लेडी उसको मना कर देती है। वो कहती है कि अभी दुकान में काफी साफ सफाई करनी है, तुम नहीं जा सकते। ये देखकर फ्रैंक उस लेडी से कहता है कि वो अपने बेटे को पार्टी में जाने दे, उसके बदले का काम मैं कर दूंगा। ये सुनकर लेडी का बेटा खुश होकर फ्रैंक को थैंक यू बोलता है और चला जाता है। फ्रैंक और वो ओनर लेडी साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो फ्रैंक और उस लेडी को साथ काम करते हुए देखती है, जिससे उसको जलन होने लगती है। वो लेडी फ्रैंक से पूछती है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर नहीं देखा, वैसे तुम हो कहाँ से? जिस पर फ्रैंक उस लेडी से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तो यहीं से हूँ और मैं अपनी बीमार बेटी के साथ यहीं पास के जंगल में रहता हूँ। वो लेडी फ्रैंक के काम को अप्रिशिएट करती है। वहीं दूसरी ओर हम उस ओनर लेडी के बेटे को देखते हैं, जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी अचानक से उसको टॉयलेट आता है। वो टॉयलेट करने के लिए जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसको एक लड़की बैठी हुई मिलती है। वो उसका पीछा करता है। जैसे ही वो लड़की पीछे की ओर मुड़ती है, तो हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिफर है, जो अपने शिकार पर है। वो लड़का जेनिफर को देखकर काफी डर जाता है। जेनिफर उसका गला दबाकर उसको मार देती है। रात को अब जब फ्रैंक घर जाता है, तो उसको जेनिफर कहीं नहीं मिलती। वो जेनिफर को घर के चारों तरफ ढूंढता है, पर वो उसको कहीं नहीं मिलती। तभी उसको घर के बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। वो नीचे जाकर देखता है, जहाँ पर जेनिफर उसकी ओनर के बेटे का मांस खा रही होती है, जिसको देखकर इस बार फ्रैंक के गुस्से की हर सीमा पार हो जाती है। वो इस बार जेनिफर को मारने का पक्का फैसला कर लेता है। वो उसके हाथ बांधकर एक कुल्हाड़ी को उठा लेता है और उसे पकड़कर जंगल की ओर ले जाता है। वो उसका गला काटने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है। उसको लगता है कि शायद फ्रैंक उस बेचारी लड़की पर हमला कर रहा है, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए फ्रैंक को गोली मार देता है, जिसके बाद वो जेनिफर के हाथ खोले जाता है। तभी फ्रैंक उसको पकड़कर जेनिफर बोलता है और जेनिफर बोलते ही उसकी मौत हो जाती है। और जब वो आदमी जेनिफर की काली आंखें और खौफनाक चेहरा देखता है, तो वो चौंक जाता है। पर फ्रैंक की तरह ही वो जेनिफर से डरता नहीं है। वो जेनिफर से बोलता है कि वो उसे यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लेगा। तभी जेनिफर उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमने इस कहानी में देखा कि फ्रैंक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा उसने उस आदमी के साथ किया था, जिसे उसने जेनिफर की जान बचाने के लिए मारा था। वो आदमी भी पहले अमीर था, लेकिन जब उसको जेनिफर मिली, तब से उसके बुरे दिन शुरू हो गए और लास्ट में उसे भी फ्रैंक की तरह ही जेनिफर को मारने की नौबत आ गई। फिर जेनिफर का अगला शिकार फ्रैंक बना। फ्रैंक के पास भी सब कुछ था, लेकिन उसने भी जेनिफर की वजह से अपनी नौकरी और अपना परिवार खो दिया। फ्रैंक की मौत भी बिल्कुल उसी आदमी की तरह हुई और अब जेनिफर का अगला शिकार ये शिकारी है, जिसने फ्रैंक को मारा। शायद जेनिफर की ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जेनिफर को रोकना ना मुमकिन है। वेल, जेनिफर की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।